हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम क्लास एट सब्जेक्ट साइंस की असेसमेंट वर्कशीट फाइव करेंगे डेट है इसकी एटीन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए सो द सर्कल इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आगे ऑप्शन हैं आपको सही ऑप्शन चूज करके उसके आगे चेक लगाना है या आप सर्कल को भी भर सकते हैं ठीक है ठेके? क्वेश्चंस में तो सर्कल भरने के लिए ही कहा गया है तो सर्कल आप लोग भर लीजिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हर एक क्वेश्चन वन मार्क्स का है इस तरीके से टेन क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी ये असेसमेंट आपका टेन मार्क्स का होने वाला है ठीक है तो देखते हैं मेटल्स आर जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं शाइनी हार्ड सोनरस या ऑल ऑफ तो देखिए शाइनी भी होती हैं हार्ड भी होती हैं सोनरस भी होती हैं ठीक है सो ऑल ऑफ दीज जो है राइट right आंसर रहेगा डी इज द राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन है द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्सीडाइज एसिडिक बेसिक न्यूट्रल या ऑल ऑफ दीज जो नेचर होता है मेटेलिक ऑक्सीडाइज का वो कैसा होता है एसिडिक होता है बेसिक होता है न्यूट्रल होता है या ऑल ऑफ दीज तो so, इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी बेसिक ठीक है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ एक ऐसा मेटल ऐसा धातु जो कि आप चाकू से उसे काट सकें ठीक है कम ही होते हैं देखिए सोडियम पोटेशियम बैरियम कैल्शियम सोडियम मरकरी पोटेशियम कैल्शियम कौन सा राइट right आंसर आपका रहेगा आपको बताना है सो so, इसका राइट right आंसर है ए सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे धातु हैं जो कि नाइफ से कट सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल इनमें से कौन सा अधातु है यानी वो धातु नहीं है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन आयरन या सिल्वर मेटल नॉन मेटल यानी वो मेटल नहीं है सो बी इज द राइट आंसर ऑक्सीजन ठीक है उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच metal इज़ यूज इन wrapping ऑफ materials? रैपिंग ऑफ materials यानी जितने भी खाने के सामान होते हैं खाने के सामानों के अलावा भी वैसे यूजअली जो है खाने के सामानों में ही रैपिंग का यूज़ किया जाता है आपको वो वाला मेटल बताना है सो यानी सिंपल में मैं कहूँ तो ऐसा धातु ऐसा मेटल जो रैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है मटेरियल्स की एल्यूमिनियम जिंक कॉपर या नन ऑफ दीज सो so, देखिए रैपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लपेटना ठीक है सो किसी भी खाने में खाने के ऊपर ज़्यादातर आपने देखा होगा फॉइल पेपर लगाते हैं तो किसका बना होता है एल्यूमिनियम का बना होता है सो ए इज़ द राइट आंसर यूजली एल्यूमिनियम मेटल जो होता है वो खाने की चीज़ों पर रैपिंग के काम आता है क्वेश्चन सिक्स है द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज लिक्विड स्टेट में जो मेटल फाउंड होता है वो कौन सा है मरकरी सिल्वर कैल्शियम या सोडियम राइट आंसर इज ए मरकरी ठीक है नेक्स्ट देखो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर नॉट रिएक्ट विद वाटर वो थे एंड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी जो नॉन मेटल होते हैं अधातु होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ ए बी दोनों हैं या फिर वो कंडक्टर अच्छे होते हैं हीट के धाप के पाप के सो so, देखिये इसका राइट right आंसर है आपका बी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते फिर आता है आपका एथ क्वेश्चन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव सॉल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए सॉल्ट को और सॉल्ट में किसका इवोल्यूशन होता है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस सी गैस या नन ऑफ दीज इसका राइट right आंसर है ए हाइड्रोजन गैस ठीक है उसके बाद देखिए आपका नाइन्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका तो हाइड्रोजन गैस राइट आंसर हो ही गया अब नाइन्थ है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल अ लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल या फिर बोथ ए एंड बी या फिर मेटल डिस्प्लेस अ नॉन मेटल सो बस यही पूछा गया है कि जो डिस्प्ले सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है यूजली देखिए या या तो एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस कर देती है एक लेस रिएक्टिव मेटल को या फिर एक लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देती है एक मोर रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल को यानी वो जल्दी रिएक्ट कर करने वाला मेटल रिएक्टिव मेटल का मतलब है जल्दी रिएक्ट करने वाला मेटल सो so, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या फिर एक कम रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो दी एंड या फिर मेटल डिस्प्लेस है नॉन मेटल या फिर एक मेटल डिस्प्लेस कर देती है अधातु को तो द राइट आंसर इज ए जो एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देती है एक लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेसमेंट रिएक्शन में टेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर इन फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर में कौन सा अधातु यूज किया जाता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस बोथे एन बी या कार्बन सो राइट आंसर इज फॉस्फोरस फॉस्फोरस जो है उर्वरकों में यानी फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है ठीक है so, सो आज की जो असेसमेंट पक्षी थी यहीं पर फिनिश होती है आशा करती हूँ समझ आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू